जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, एक गाड़ी जल गई है और वो गाड़ी जलने के बाद में ब्लास्ट हो रही है और कुछ उड़ भी रहा है। सो गाइस, कस्टमर को मैंने डिलीवर कर दिया हूँ चाबी और अभी फिलहाल मैं हूँ बैंड्रा। सो गाइस, अपना जो पार्सल था वो डिलीवर हो गया, कस्टमर पार्सल लेके जा रहा है अपना और ट्रिप को भी मैंने एंड कर दिया हूँ। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। तो एक जस्ट ऑर्डर भी लग गया है, मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने पिकअप भी उठा लिया हूँ और कहाँ से कहाँ जाना है वो भी आपको बता देता हूँ। सो गाइज, आप टाइम देख सकते हो 12 बज रहा है और 141 रुपये का ऑर्डर है, जो कि पिकअप लोकेशन हमारे यहीं से था, साकी नाका से, और ड्रॉप जो इसका विले पार्ले है। और मैं पिकअप भी उठा लिया हूँ जैसा कि आप देख रहे हो गाइज। ये कुछ कलर के 3 डब्बे हैं, इसको लेके जाना है अपने को विले पार्ले में, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4-4.5 किलोमीटर दूर रहेगा, बस 2 किलोमीटर दूर है और 10 मिनट का रास्ता है गाइज। तो गाइज, फटाफट चलते हैं और करते हैं ये ट्रिप को कंप्लीट और देखते हैं आज हम लोग कितना कमाने वाले, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइज, मैं ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, यहाँ पे ही अपने को देना है अपना पार्सल। कस्टमर भी आ रहा है 2 मिनट में, जैसे ही आएगा कस्टमर ये पार्सल हम लोग उसको दे देंगे और फिर वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रिप का। सो गाइज, मैंने पिकअप उठा लिया हूँ जो कि तारदेव का है, ये है कुछ डॉक्यूमेंट है, इसको लेके जाना है अपने को तारदेव, मतलब हाजी अली के भी आगे है और 24 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे का रास्ता है, मैं आपको बता देता हूँ फटफट और उसके बाद निकल। सो गाइज, टाइम हो रहा है 12:44, 290 रुपये की ट्रिप है। पिकअप लोकेशन से तो मैंने पिकअप उठा लिया हूँ, ये डॉक्यूमेंट है और ये ड्रॉप जो है मलबार है। ड्रॉप लोकेशन भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 24 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। फटाफट चलते हैं और करते हैं ट्रिप को कंप्लीट। सो गाइज, अभी मैं गोकुले ब्रिज पे हूँ और यहाँ से हम लोग को निकलना है और यहाँ पे कुछ तो भी हादसा हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो गाइज, एक गाड़ी जल गई है और वो गाड़ी जलने के बाद में ब्लास्ट हो रही है और कुछ उड़ भी रहा है। प्राइवेट गाड़ी है, अभी पता नहीं इसके अंदर का बाटला बिटला रहेगा, वो भी उड़ सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ निकल ही जाना अच्छा रहेगा गाइस। आप लोग भी गाड़ी चलाओगे तो सेफली चलाओ, पता नहीं ये कैसे जल गई गाड़ी। निकलते हम लोग गाइस, यहाँ पे बहुत सारी क्राउड भी जमा हो गया है जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, ट्रैफिक हवलदार भी आ गया, क्लियर करेगा अभी, निकलते हम लोग। सो गाइस, अपना जो पार्सल था वो मलबार में, मतलब मुंबई साइड में, हाजेली साइड में मैंने डिलीवर कर दिया हूँ, यही ऑफिस में गया हूँ और पेमेंट भी अपने को मिल गया है, 0 कलेक्शन है, मतलब पेमेंट अपने ने ले लिया है ऑनलाइन। फटाफट से ट्रिप को एंड करता हूँ और वेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिप। सो गाइस, 2:01 हो रहा है और जस्ट मुझे एक डिलीवरी आई है, जैसे कि आप देख रहे हो 229 रुपये की है ट्रिप और गिरगांव से ये पिकअप और ड्रॉप जो इसका बैंड्रा ईस्ट है, मतलब BKC बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। पिकअप लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 मिनट का रास्ता है। ठीक है, कस्टमर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। आप ऑर्डर से बात कर रहे हो सर, क्या सामान है सर? ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका जो लोकेशन है वो परफेक्ट है ना, अपोजिट ये, मैं हाजी अली साइड में हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे हूँ लेकिन आपका जो लोकेशन है ना 1.5 किलोमीटर दूरी है यहाँ से। ठीक है, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। कस्टमर से बात हो गई, कस्टमर बोल रहा है चाबी छूट गया है, मतलब भूल गया है, तो फटाफट से चलते और लेते हैं पिकअप। सो गाइस, जो ये 229 रुपये का जो ऑर्डर है, जो कि मुंबई से मुझे लगा है, इसको BKC जाना है लेके, तो मैंने उठा लिया हूँ, यही चाबी लेके जाना है गाइस। और यहाँ से जो ड्रॉप लोकेशन है वो है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और 43 मिनट का रास्ता है, तो फटाफट चलते हैं गाइस। और ये ट्रिप का जो फेयर है 229 रुपये है, कस्टमर ने जो है मुझे 250 रुपये दिया है, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया है और बोला कि कहीं रुकना मत, सीधा सीधा चले जाना, टाइम वेस्ट मत करना, मतलब हम लोग क्या है कुछ और भी ट्रिप उठा लेते हैं ना साथ में, अगर वो लोकेशन की दिख रही है तो, जैसे कि अब ये बॉन्जो वाला मैसेज कर रहा है कि हमारी भी ट्रिप उठा लो, हमारी भी ट्रिप नज़दीक है, बट नहीं उठाऊँगा, फटाफट चलते गाइस, करते हैं ट्रिप को कंप्लीट। तो गाइस, अभी मैं दादर में हूँ और मैंने जो पार्सल लिया हूँ वो बैंड्रा देना है, फिलहाल अभी मैं दादर में हूँ और लग रही है मुझे अभी भूख, तो फटाफट चलते हैं गाइस, यहाँ पे मेंदू वड़ा खाएंगे और उसके बाद में निकलेंगे अपने ड्रॉप लोकेशन। सो गाइस, कस्टमर को मैंने डिलीवर कर दिया हूँ चाबी और अभी फिलहाल मैं हूँ बैंड्रा। और गाइज, अपना नाश्ता हो गया था तो फिर मैं अपने ड्रॉप लोकेशन पे भी पहुँच गया हूँ और उसके बाद में कस्टमर को भी दे दिया हूँ चाबी और ट्रिप को भी एंड कर दिया हूँ। अभी तक का 550 रुपये की अपनी अर्निंग हो गई है, देखते हैं एंड ऑफ द डे तक हम लोग कितना कमा लेते हैं, बट
देखते हैं जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखते हैं BKC में कौन सा ऑर्डर लगता है हम लोगों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये ट्रिप मेरी एंड होने के बाद में मुझे जस्ट एक ऑर्डर आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो 103 रुपये का ऑर्डर है। ऑर्डर तो छोटा है बट मैंने पिकअप कर लिया हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली जो है मेरे एरिया के साइड का ऑर्डर है और वहाँ से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप बड़ी बड़ी मिलने के चांस रहेंगे, इसलिए मैंने ये ट्रिप को उठाया हूँ। तो पिकअप लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है पिकअप लोकेशन। सो फटाफट चलते और करते हैं पिकअप। उससे पहले मैं एक बार कस्टमर से बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ क्या है सामान। हेलो, हाँ पोर्टर से बात कर रहा हूँ सर, क्या सामान है, क्या लेके जाना है? अच्छा, वेट कितना रहेगा, ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ पहले, क्योंकि कभी कभी 20-25 किलो के भी ऊपर रहेगा ना, इसके लिए मैं पूछ लेता हूँ। देने वाले नहीं देने वाले देते हैं सर, इसके लिए मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है सर, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कपड़ा है, कस्टमर से मेरी बात हो गई है, कपड़ा लेके जाना है। उसको पूछा वेट कितना है, तो बोलता ज़्यादा नहीं है। मैं बोला कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जो 20-25 किलो के ऊपर भी देते हैं अनाड़ी। तो वो बोलता है ऐसा कौन देता है। हाँ, कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो पैसा बचाने के चक्कर में करते हैं ऐसा काम, मतलब टेम्पो में नहीं डालेंगे, बाइक में डाल देंगे, 20-25 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। छोड़ो, जाने दो गाइस, वो सब होता रहता है। हम लोग चलते हैं पिकअप करते हैं, 5 मिनट की दूरी पे ही है पिकअप, फटाफट चलते हैं और करते हैं पिकअप। सो गाइस, जो 103 रुपए का जो ऑर्डर है जो कि कुरला से पिकअप है और वो मैंने उठा लिया हूँ, देख लीजिए आप। जैसे कि कपड़ा है, उसको लेके जाना है अपने को साकिना का, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पर। सो फटाफट चलते हैं गाइस और करते हैं ट्रिप को कम्प्लीट। तो गाइज, अपना जो पार्सल था वो डिलीवर हो गया, कस्टमर पार्सल लेके जा रहा है अपना, और ट्रिप को भी मैंने एंड कर दिया हूँ। तो देखते हैं हम लोग, टाइम भी हो गया है, 4:30 बजने वाला है, 4:20 और 650 रुपये की अपनी आज की अर्निंग हुई है अभी तक की। और अभी 250 रुपये का एक ऑर्डर आ गया है नवी मुंबई का, बट मैं इसको पिकअप नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ से रिटर्न का भाड़ा मुझे नहीं मिलेगा। सो गाइज, टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है और हम लोगों ने आज 4 ट्रिप मारा है, 650 रुपये की अपनी आज की अर्निंग हुई है, मतलब टोटल जो है हम लोगों ने 4 ही ट्रिप मारा है। तो मैं अभी ऑफलाइन हो गया हूँ, मेरा अभी मूड नहीं कर रहा है मारने का। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा मेरी आज की अर्निंग इतनी कुछ खास नहीं है, फिर भी जो भी है ठीक ठाक है। बाजू में ही हमारा घर भी, निकलते हम लोग, वीडियो को भी मैं यहीं एंड करता हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी गाइज, अंगारफात आतंक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत दासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल और हाथ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना है। ऑलवेज स्टे 1 नंबर।